प्यारे बच्चों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण सरसंख्या का डेरिवेशन देने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने इसका प्रूफ तीनों का दिया था, उसमें साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी प्लस सी के माध्यम से दिया था। अब देखिए, साइन थ्री ए का प्रूफ हम देने वाले हैं। थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन थ्री ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन टू ए प्लस ए लिख सकते हैं, साइन टू ए प्लस ए। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, अब हमको साइन में चेंज करना, साइन टू ए को फार्मूला लगाएंगे टू साइन ए कॉस ए। कॉस टू ए के तो चार फार्मूले होते हैं, आपको मैंने बताया था, क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टेन स्क्वायर अपान वन प्लस। लेकिन लगाएंगे कौन भाई, क्योंकि हमको प्रूफ किस में करना है, साइन में ना, तो ये लगाएंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर। अब ये हो जाएगा टू साइन ए कॉस स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस टू साइन क्यूब। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन ए, ब्रेकर तोड़ते हैं, टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब प्लस साइन ए माइनस टू साइन क्यूब। तो टू साइन ए जुड़ के क्या हो गया, थ्री साइन ए, थ्री साइन ए और टू साइन क्यूब ए, टू साइन क्यूब ए जुड़ के क्या होगा, फोर साइन क्यूब। क्या मिला आपको साइन थ्री ए का, थ्री साइन ए माइनस फोर, देखिए टू साइन ए और साइन ए मिल गए, थ्री साइन ए और टू साइन क्यूब ए, टू साइन क्यूब ए, फोर साइन क्यूब ए। साइन थ्री ए का फार्मूला आपको मिला थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। तो कॉस थ्री ए को हम लिख सकते हैं कॉस टू ए प्लस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमको कॉस में चेंज करना है, तो कॉस टू ए का फार्मूला क्या लगाएंगे, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और साइन टू ए को टू साइन ए कॉस, ये हो जाएगा टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस टू कॉस ए साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो ब्रेकर टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस टू कॉस ए प्लस टू कॉस क्यूब ए, तो हो जाएगा टू टू फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। प्यारे बच्चों, टेन थ्री ए का फार्मूला हमको प्रूव करना है, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। आप सेम उसी तरीके जैसे साइन थ्री ए कॉस थ्री ए की, टेन थ्री ए को क्या लिखेंगे, टेन टू ए प्लस ए। अब टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी। अब हम किसका फार्मूला लगाएंगे, टेन टू ए का, क्या होता है, टू टेन ए अपान वन माइनस टेन स्क्वायर। तो टेन टू ए का लगाएंगे टू टेन ए अपान वन माइनस टेन स्क्वायर प्लस टेन ए अपान वन अपान वन माइनस टू टेन ए अपान वन माइनस टेन स्क्वायर
इंटू टेन ए, अब एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर, क्या होगा 2 टेन ए, यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस टेन ए माइनस टेन क्यूब अपान, यहां 1 माइनस टेन स्क्वायर माइनस टू टेन ए, टेन ए गुड़ा हुआ 2 टेन स्क्वायर अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब 2 टेन ए में टेन ए जुड़ा, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर। इस प्रकार आप साइन 3 ए कॉस 3 ए टेन 3 ए का फार्मूला सीखे। साइन 3 ए का क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3 ए का 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, टेन 3 ए का 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। बार बार रिपीट करके देखिए और अच्छे से तैयार करिए।